कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पंचायती राज सिस्टम। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द रूरल लेवल फंक्शंस अंडर द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम के अंडर जो विलेज लेवल पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं? द पंचायती राज सिस्टम ऑपरेट्स एट द थ्री लेवल्स। अंडरलाइन द वर्ड ऑपरेट्स मीन्स वर्क। जो पंचायती राज सिस्टम है ये जो वर्क है ऑपरेट करती है थ्री लेवल्स के ऊपर। फर्स्ट ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, ब्लॉक समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। आप यहाँ पे पिक के अकॉर्डिंग देख सकते हो, सबसे ऊपर नीचे है ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक समिति, फिर आता है जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम करता। पंचायत हैव ऑलवेज फ्रॉम टाइम इमेमोरियल बीन द बैकबोन ऑफ इंडिया विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। बच्चे जो पंचायत है वो हमेशा से ही इंडिया की बैकबोन रही है विलेजेस की एडमिनिस्ट्रेशन की एंड गवर्नेंस की। अंडरलाइन द वर्ड इमेमोरियल मीन्स प्राचीन काल या ओल्ड एशियंट। टर्म पंच इज ऑर्डिनरली यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ फाइव पर्सन दैट इज पंच हु टेक कलेक्टिव डिसीजन ऑन द डिफरेंट अफेयर्स ऑफ द विलेजेस। जो विलेज में जो पंच है उस कलेक्टिवली डिसीजंस लेते हैं, चाहे कोई लड़ाई झगड़े हुए हो, चाहे वाटर इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कोई भी वर्क हो रहा हो तो उनके ऊपर वो अपना कलेक्टिव ही डिसीजन देते हैं। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी हैड इंसिस्ट ऑन स्ट्रेंथनिंग द पंचायती राज विच इज टर्न एज पर हिज व्यू वुड एनहेंस द विलेज इकोनमी एंड हेल्प प्रिजर्व द एक्सिस्टेंस ऑफ सेल्फ सफिशियंट विलेजेस। फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी ने जो भारत के विलेजेस को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी जोर दिया था। द पंचायत सिस्टम इन विलेजेस नॉर्मली हैज थ्री यूनिट। फर्स्ट ग्राम सभा और विलेज असेंबली, ग्राम पंचायत और विलेज पंचायत, न्याय पंचायत और विलेज कोर्ट। कम टू द फर्स्ट पॉइंट, ग्राम सभा। ईच विलेज हैज अ ग्राम सभा। हर एक विलेज की अपनी ग्राम सभा होती है। ऑल अडल्ट मेंबर्स ऑफ विलेज आर मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। जो अडल्ट है जो 18 ईयर्स के हो चुके हैं या 18 ईयर्स के हैं वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। द ग्राम सभा लुक्स इनटू ऑल इम्पोर्टेंट मैटर्स ऑफ विलेज। जो ग्राम सभा है इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो विलेज है विलेज के सारे कार्यों की देखभाल करना। द सभा हैज टू मीट एट लीस्ट वंस इन 6 मंथ। जो बच्चे ये सभा है जो साल में 6 मंथ बाद एक बारी बैठती है। मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं वही मेंबर्स ग्राम पंचायत के मेंबर्स को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। इफ एनी मेंबर्स ऑफ अ पंचायत डज नॉट परफॉर्म वेल द ग्राम सभा कैन टेक डिसीजन टू रिमूव सच अ मेंबर। अगर जो पंचायत है उनके जो मेंबर्स है अच्छा काम नहीं कर रहे तो ग्राम सभा के जो मेंबर्स है डिसीजन लेते हैं उनको ग्राम पंचायत के मेंबर में से रिमूव कर देते हैं, मींस उनको उनकी पद से हटा देते हैं। विलेजेस हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 500 और मोर हैव अ ग्राम सभा। जिन विलेजेस में 500
पॉपुलेशन होती है वो वहाँ ही ग्राम सभा बनती है। द ग्राम सभा वर्क एज सुपरवाइजरी, अंडरलाइन द वर्ड सुपरवाइजरी मीन्स ऑब्जर्व बॉडी, ऑडिट्स एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। जो ग्राम सभा सारे वर्क है उनकी देखरेख करता है। रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा आर बाइंडिंग ऑन द ग्राम पंचायत। रिकमेंडेशन मीन्स सिफारिश। ग्राम सभा सिफारिश करती है कि ग्राम पंचायत को हमने कैसे बाइंडिंग करना, जोड़ के रखना। ऑल द मेंबर्स ऑफ द विलेजेस विद इन अ ग्राम पंचायत कैन हैव सेपरेट ग्राम सभा। सारे विलेजेस ग्राम पंचायत के अंडर आते हैं और उन सब की अपनी अलग ग्राम सभा होती है। टू द नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम पंचायत। द ग्राम सभा इलेक्ट्स मेंबर्स ऑफ इट्स ग्राम पंचायत। ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं ग्राम पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। द विलेज एरिया इज डिवाइडेड इंटू वार्ड्स एंड ईच वार्ड सेंड्स इट्स रिप्रेजेंटेटिव टू द विलेज पंचायत। अंडरलाइन द वर्ड रिप्रेजेंटेटिव मीन्स मेंबर और अ पर्सन हु अपॉइंट टू एक्ट और परफॉर्म। स्टूडेंट्स, जो विलेज का एरिया है जो वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है और हर वार्ड्स का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उस एरिया के जो विलेज पंचायत के चुनाव में हिस्सा लेता। अ फ्यू सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और कुछ जो सीट्स हैं वो रिजर्व होती है शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। वन थर्ड ऑफ इट्स सीट्स आर आल्सो रिजर्व फॉर वुमेन। जो वन थर्ड सीट्स है वो किसके लिए रिजर्व की जाती है, वुमेन के लिए। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैज बीन एंश्योर्ड एट ऑल थ्री लेवल। एंश्योर्ड मीन्स मेक श्योर। बच्चे, जो मैंने आपको बताया था कि थ्री लेवल बताए थे आपको पंचायती राज के, उन तीन लेवल में ये सभी सीट्स क्या होती है, रिजर्व्ड होती है पहले से ही। किन की? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन की। द पंचायत इज हेड बाय द सरपंच और द प्रधान और द मुखिया एंड ईच मेंबर इज अ पंच। बच्चे, जो पंचायत है वो उसका जो हेड होता है सरपंच होता है, जिनको प्रधान या मुखिया भी आप कह सकते हो। द सरपंच ऑर्गेनाइजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द मीटिंग ऑफ द पंचायत। जो सरपंच ही सारी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है और उन कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। ही और शी साइंस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। सरपंच एज अ वूमेन भी हो सकती है, एज अ मैन भी हो सकता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनका मेन वर्क क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट विलेज के जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर वो सिग्नेचर करते हैं अपने। द मेंबर्स ऑफ पंच वेरिस फ्रॉम 7 to 11 अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। यहाँ पे जो पंच है वो विलेज की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो इलेक्ट होते हैं, 7 to 11 मेंबर्स। Previously, the number of panch in village was 5 including the sarpanch. जो सरपंच है उसके टोटल मेंबर 5 होते हैं, 4 पंच 1 सरपंच, टोटल कितने हो गए 5. The panchayat acts as link between the local government of village and the people living there. जो पंचायत है वो एक कड़ी का काम करता है लोकल गवर्नमेंट और लोगों के बीच एक अच्छे रिलेशन बना के रखता है कि उनके जितने भी काम हैं कौन देखता है, पंचायत।
डिसीजन आर टेकन बाय द मेजोरिटी वोट, जितने भी डिसीजन है ठीक है वो वोटिंग मेजोरिटी ऑफ वोटिंग के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। अगर सपोज करो कोई भी वर्क है उसके लिए कई लोग नहीं मान रहे ठीक है, कई लोग मान रहे हैं, जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी वो डिसीजन लिया जाएगा। पंचायत आर इलेक्टेड फॉर 5 years, इसका टाइम पीरियड कितना होता है 5 years का। फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत, द मेन फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत आर एज फॉलोइंग, सैनिटेशन एंड मेडिकल रिलीफ, मेंटेन्स गुड सैनिटेशन इन द विलेज विद द हेल्प ऑफ विलेजर्स, प्रिवेंट्स डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड ह्यूमन एंड एनिमल एक्सेट्रा इन द ओपन, इट चेक्स द स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक by carrying out cleanliness drive, make adequate arrangement for clean drinking water, maintain village hospital and maternity home to provide free medical treatment। students जो इसके main functions क्या है, कार्य क्या है कि जो village को में साफ सफाई देख रेख करना, साफ सफाई कहीं जो animal dung human waste है वो ओपन तो नहीं है, इससे पता काफ़ी बीमारियां लग सकती है ठीक है, और पीने का स्वच्छ पानी प्रोवाइड करना, और जो जो विलेजेस में हैं वो अच्छे हॉस्पिटल प्रोवाइड करना ताकि लोगों का अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। एजुकेशन, अरेंजेस फॉर प्रोवाइडिंग फ्री प्राइमरी एजुकेशन, अरेंजेस फॉर रनिंग नाइट स्कूल फॉर अडल्ट, ये क्या अरेंज करती है एजुकेशन में, जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन पूरी तरह से क्या है फ्री है। अडल्ट है हमारे देश के वो दिन को शिक्षा नहीं ले सकते, स्कूल नहीं जा सकते ठीक है, अडल्ट जो पर्सन होते हैं ठीक है उनको जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है रात को।